वैक्सीन यहाँ लग रही? नहीं। क्यों नहीं लग? वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। बच्चों की वैक्सीन? कोई भी नहीं, बच्चे को लगभग 6 महीने से अबव से नहीं है। सीएस ऑफिस के द्वारा हम लोग को वैक्सीन अवेलेबल होती है। कितने लोग आते होंगे? 2 से 4 मैक्सिमम। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी। बिहार में हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही। एक तरफ सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पटना के अगर हम बात करें तो राजधानी पटना के कई अस्पतालों में जो है वैक्सीन किल्लत देखने को मिल रही। वजह यही है कि देखिए, इस वक्त हम पटना के गार्डनर हॉस्पिटल में हैं। गार्डनर हॉस्पिटल की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि पहले जब कोरोना यहाँ पर हुआ करता था, जब टीकाकरण यहाँ पर हुई करती थी, तो यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी होती थी। मगर अब यहाँ पर कतार इसलिए नहीं है क्योंकि वैक्सीन की किल्लत। यही वो 5 नंबर कमरा है जहाँ पर टीकाकरण करवाया जाता है। लोग अंदर में जाकर टीकाकरण करवाते थे, मगर वैक्सीन की किल्लत कहीं ना कहीं लोगों को झेलनी पड़ रही। हम जानेंगे कि आखिर कब लास्ट वैक्सीन यहाँ लगा है, कब यहाँ पर अंतिम बार जो लोग हैं वो बूस्टर डोज या फिर कोविडशील्ड या फिर कोरोना से रिलेटेड तमाम वैक्सीन लिए थे। क्या नाम है सर? हरे राम कुमार। वैक्सीन यहाँ लग रही? नहीं। क्यों नहीं लग रही? वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन अवेलेबल नहीं है? नहीं। लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही होगी, जो बूस्टर डोज नहीं लिए होंगे वो तो इधर उधर भटक रहे होंगे। जो आते हैं उनको बोल दिया जा रहा है कि वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन नहीं? नहीं। तो लोग परेशान हैं कि नहीं? आप तो देखते होंगे, क्योंकि 2-4 आते हैं, उतना अब नहीं आ रहे हैं। 2-4 लोग आते हैं बस, वो वापस लौट के चले जाते। हाँ। कब से अंतिम बार वैक्सीन कब लगी? अंतिम 31 मार्च तक। मार्च के बाद नहीं लगी? नहीं। तो दिक्कत कहीं ना कहीं है। गवर्नमेंट सप्लाई देगी तो देखेंगे आगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से दिक्कत है? ये तो मुझे नहीं मालूम है कि कहाँ से प्रॉब्लम है। अच्छा। बट सीएस ऑफिस के द्वारा हम लोग को वैक्सीन अवेलेबल होती है। कितने लोग आते होंगे और चले जाते? 2 से 4 मैक्सिमम। 2 से 4 आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। बिल्कुल। 31 मार्च तक अंतिम बार वैक्सीन लगी थी जी। कोई भी वैक्सीन नहीं? नहीं। बच्चों की वैक्सीन? कोई भी नहीं, बच्चे को लगभग 6 मंथ से अबव से नहीं है। 6 मंथ के अबव का ही वैक्सीन नहीं है? बच्चे 12 से 14 का ग्रुप जो होते थे उन लोग का वैक्सीन लगभग 6 मंथ से अबव से नहीं है। और उसके बाद कोई वैक्सीन नहीं है 6 महीने के बाद? नहीं। चलिए तो देखिए, यही स्थिति है। 31 मार्च के बाद वैक्सीनेशन नहीं लग रहा है। 2-4 लोग आते हैं, वैक्सीनेशन बूस्टर डोज कोविडशील्ड और कोरोना से रिलेटेड जितने भी वैक्सीन बने थे, 6 महीने के बाद के वैक्सीन पटना में अवेलेबल नहीं है। और यही तस्वीर पटना के उन तमाम सरकारी अस्पतालों की। देखिए, ये सीट खाली पड़ा है, सुनसान पड़ा है, कोई भी नहीं आता। 2-3 लोग आते हैं वो मायूस होकर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं और सवाल लाजमी भी है कि आखिर किसकी वजह से वैक्सीनेशन की सप्लाई नहीं हो रही। पटना के गार्डनर हॉस्पिटल से ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि वैक्सीनेशन की किल्लत कहीं ना कहीं लोगों को झेलनी पड़ रही। और वजह यही है कि अस्पतालों में लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं पहुंच रहे, पहुंचते भी हैं तो मायूस होकर घर की ओर चले जाते हैं। बड़ा अब देखना है कि जब सरकार की तरफ से निर्णय लिया जाएगा तो क्या, जब एक बार फिर से कोरोना ने वापसी की, धीरे धीरे केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की तरफ से ठोस कदम लिए जाते हैं और कब तक वैक्सीनेशन मुहैया उन तमाम सरकारी अस्पतालों में करवाई जाती। बड़ा इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सहयोगी गुड्डू के साथ रोहित वर्मा, लाइव सीरीज पटना।